नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरों का। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अपनी पहली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों को बड़ी सौगात दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम किसान योजना सिर्फ लघु और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में इस योजना में सभी किसानों को शामिल करने का वादा किया था, जिस पर पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में मुहर लग गई है। लोकसभा में विपक्ष का नेता चुनने के लिए आज कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान नेता प्रतिपक्ष चुनने के साथ ही किसी सांसद को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। देश की आर्थिक विकास दर को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में देश का आर्थिक विकास दर घटकर 6% से भी नीचे चला गया है। हालांकि इस साल जनवरी मार्च तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP महज 5.8% की दर से बढ़ा है। रिजर्व बैंक केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही रिजर्व बैंक आज अपनी क्रेडिट पॉलिसी लेकर आएगा। माना जा रहा है कि इस दौरान रिजर्व बैंक आम आदमी को राहत देने के लिए ब्याज दरें घटा सकता है। हर महीने की तरह सरकार की ओर से आज रसोई गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान इस बात की आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर घरेलू गैस की कीमतें बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले 1 मई को रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। कांग्रेस ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने वीवीपैट में 100% ईवीएम के मिलान की मांग की है। एडमिरल करमबीर सिंह ने भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। इस पद पर उन्होंने एडमिरल सुनील लांबा की जगह ली है। आपको बता दें कि वह ऐसे हेलीकॉप्टर पायलट हैं जो नौसेना के प्रमुख बनेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 7 और 8 जून को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र केरल के वायनाड जाएंगे, जहां राहुल मतदाताओं का आभार व्यक्त करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में वायनाड से जीत हासिल करने के बाद राहुल गांधी का यह पहला दौरा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने देश की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री बनने पर निर्मला सीतारमन को बधाई देते हुए वित्त मंत्री के रूप में नई भूमिका के लिए सीतारमन को मुबारकबाद दी है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने गजेंद्र सिंह शेखावत ने श्रम शक्ति मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि पूरी दुनिया का 4% जल भारत में है। पानी की समस्या न केवल देश बल्कि दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में पानी की समस्या दूर करने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं और आगे काम जारी रहेगा। यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रण अंजू कटियार के LD ग्रेड में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार होने के बाद प्रयागराज स्थित UPSC ऑफिस के बाहर करीब 1000 से ज्यादा प्रतियोगी छात्रों ने पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतियोगी छात्रों ने मांग की कि परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार के कार्यकाल में हुई भर्तियों को रद्द कर इसकी जाँच CBI से करवाई जाए। बिहार के बेगूसराय से CPM उम्मीदवार कन्हैया कुमार को हराने के बाद मोदी सरकार में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री बनाए जाने के बाद भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे वह पूरी जवाबदेही के साथ निभाएंगे और PM मोदी के रोड मैप को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। मध्य प्रदेश के CM कमलनाथ अब प्रदेश के सभी राज्यों को खास अधिकार देने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि लोगों का काम उन्हीं के जिले में निपट सके और उन्हें हर काम के लिए भोपाल नहीं दौड़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह CM थे तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। राजस्थान के जोधपुर से सांसद बने गजेंद्र सिंह शेखावत को नरेंद्र मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जिसका पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन पहली बार किया गया है। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के समय राजस्थान में अपनी जनसभा के दौरान किया था। उत्तराखंड के कोटद्वार में हर साल बाढ़ से होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार रनपनियाली में अतिक्रमण का मामला सामने आ रहा है। पिछले साल बरसात में जहां गदेरे में 130 अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे, वहीं अब इसकी तादाद बढ़कर 146 तक जा पहुंची है। आलम यह है कि 16 मीटर चौड़ाई वाला गोदारा अब सुकर कर 6 से 7 मीटर तक ही रह गया है।
16 मीटर चौड़ाई वाला गदेरा अब सुकरकर 6 से 7 मीटर ही रह गया है। आपको बता दें कि पिछले साल नोटिस जारी कर चुका प्रशासन अब फिर नोटिस जारी करने की बात कह रहा है। मोदी मंत्रिमंडल में हरियाणा के 3 सांसद मंत्री पद पाने में सफल रहे। आपको बता दें कि पिछली बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल रहे गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद के सांसद किशनपाल गुर्जर एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व फरीदाबाद से सांसद किशनपाल गुर्जर और अम्बाला से सांसद रतनलाल कटारिया राज्य मंत्री बनाए गए हैं। झारखंड के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड BCCL की भोड़ाकॉल माइंस और चाईबासा के झिंक बंद करने का आदेश दिया है। कंपनी अब इन खदानों में खुदाई का काम नहीं कर सकेगी। छत्तीसगढ़ के रमन सिंह सरकार के दौरान दंतेवाड़ा जिले में हुए जमीन घोटाले की जांच के निर्देश भूपेश बघेल सरकार ने दे दिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता ओपी चौधरी जब दंतेवाड़ा के कलेक्टर थे उसी दौरान ये घोटाला हुआ था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश करने से आहत हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता ने शिमला में धरना देकर राहुल गांधी से अपना फैसला वापस लेने की मांग की है। भाजपा नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी अपना दल के अध्यक्ष आशीष पटेल ने कहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी को कोई जगह नहीं मिलने का उन्हें कोई मलाल नहीं है और वह राजग के साथ बने रहेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नई केंद्र सरकार में शामिल किए गए राज्य के भाजपा नेताओं धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप सारंगी को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये दोनों लोग सबकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और केंद्र में ओडिशा के लोगों की आवाज बनेंगे। प्रयागराज के नैनी जेल में बंद पूर्व बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद को गुजरात के अहमदाबाद जेल में शिफ्ट करने का रास्ता साफ हो चुका है। गुजरात सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है लेकिन शर्त यह है कि प्रदेश सरकार के पेशगी के तौर पर 3 लाख रुपए का ड्राफ्ट अहमदाबाद जेल के अधीक्षक को देना होगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह को एक बार फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय में राजमंत्री बनाया गया है जिसका कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। खास बात यह है कि इस बार उन्हें उत्तर पूर्वी मामले जन मामले पेंशन भोगी और आंतरिक विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया है। पीएम मोदी के आयुष्मान भारत योजना की तरह ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार लोगों के लिए राइट टू हेल्थ स्कीम लाने जा रही है जिसके तहत लोगों को मुफ्त इलाज और दवाइयां मिलेगी। झारखंड की रघुवर दास सरकार बड़े पैमाने पर रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने जा रही है। इसके लिए विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 37,000 रिक्त पदों पर जल्द ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आपको बता दें कि कार्मिक के साथ साथ प्रशासनिक सुधार विभाग ने रिक्त पदों की सूची तैयार कर ली है। इसके लिए झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को रिक्त पदों पर बहाली करने को कहा गया है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए महाराष्ट्र के शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिवसेना ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है और हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मांग सही है लेकिन परिवार को संभालना भी होता है। झारखंड के गुमला के भरने में अचानक आई आंधी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। इस आंधी में कई घरों की छत उड़ गई है और बिजली भी गुल हो गई है। कई जगहों पर बिजली के पोल भी गिर गए हैं। इतना ही नहीं, तेज हवा के कारण गुमला रांची मुख्य मार्ग पर कई पेड़ भी उखड़ गए हैं जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। सैलानियों के सैर सपाटे के लिए खुले हिमाचल के रोहतांग दर्रे में अब पर्यटक बिना किसी परमिट के बर्फ में मस्ती कर सकेंगे। आपको बता दें कि HRTC सैलानियों को बड़ी राहत देने के लिए 3 जून को NGT के आदेश पर निगम इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू करने जा रहा है। केंद्र सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री का पद मिलने के बाद हरियाणा के अम्बाला से सांसद रतनलाल कटारिया ने सतलुज यमुना लिंक नहर मामले को सुलझाने के प्रयास अनवरत जारी रखने की बात करते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान को अपने हिस्से का पानी नहीं देना चाहिए। गुड़गांव के क्राउन प्लाजा होटल में 31 मई से 2 जून तक आयोजित होने वाले गुरुग्राम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वाटियोर विक का पहला संस्करण कुणाल गुप्ता, रुद्र सिन्हा और एम सत्या द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह पहल गुरुग्राम में पहले फैशन वीक के रूप में चिन्हित है। अपने संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइनरों की एक विस्तृत सारणी बनाई गई है। डिजाइनर नीता लुल्ला इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाली है जबकि अन्य डिजाइनरों में रीना ढाका, अर्जुन और अंजलि कपूर और नरेंद्र कुमार शामिल हैं।
आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार की ये रिपोर्ट। हाय, आई एम शालिनी भाटिया, मिसेज इंडिया 2019। टुडे वी आर हेयर एट गुड़गावा इंटरनेशनल कोटोर वीक। आई थिंक ऐसे फैशन शोज होते रहने चाहिए जिसमें नए डिज़ाइनर्स को चांस मिलना चाहिए अपनी शोकेस करने का, अपनी जो भी न्यू कलेक्शंस होती हैं। मैं ऑल द बेस्ट करना चाहूँगी सारे कंटेस्टेंट एंड मॉडल्स को। थैंक यू सो मच। हाय, माय नेम इज़ अशफाक अहमद एंड आई एम वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग डिज़ाइनर्स हियर एट गुरुग्राम इंटरनेशनल कोटोर वीक। Obviously, for the business purpose, like suppose when you do a fashion show like this, you get a lot of visibility, and then you invite your clients and you invite your business associates, so they come and they can see your collection on the ramp in the best way possible on all the professional models. So yeah, of course, it's a feel-good factor, and then it creates a brand value for your brand. उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र तिवारी बता रहे हैं कि पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर पिछले 335 दिन से अनशन पर बैठे बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने आज मोदी मंत्रिमंडल में बुंदेलखंड को तवज्जो नहीं मिलने पर निराशा व्यक्त की एवं मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के दमोह जिले से चुने गए एकमात्र मंत्री प्रहलाद पटेल को चिट्ठी लिखकर संसद में बुंदेलखंड राज्य के मुद्दे को मुखर करने की मांग की। तो ये थी सुबह के कुछ ताजा तरीन खबरें, और ये खबरें आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दें ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।